इनकी एज इस टाइम 31 साल की है, तो इनका अपना ही मन था कि मैं स्कूल में जाऊं। हमने 55 साल जो ज़िंदगी के गुजारे वो समझ लो एक पिक्चर थी जो ख़त्म हो गई। ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आँखें। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन में भक्ति के अनेकों अनेक रूप देखने को मिलते हैं। आज हम आपको एक ऐसे रूप को दिखाने जा रहे हैं ना आपने कभी देखा होगा ना आपने कभी सुना होगा। वो हैं भगवान लड्डू गोपाल, जो पढ़ने के लिए आते हैं। कहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और क्यों पढ़ने के लिए आते हैं, आइए बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपिका शर्मा है और अभी मैं यहाँ की कोऑर्डिनेटर हूँ। और ये जो हमारे गोपाल जी हैं, इनका नाम मुच्चू गोपाल है और ये हमारे यहाँ 4 साल से पढ़ रहे हैं। बस ये जो हमारा पैंडमिक टाइम चल रहा था कोरोना का, उस टाइम पर ये नहीं आए थे। और जब इनका एडमिशन हुआ था 4 साल पहले, ये इनके पिताजी हैं, ये इनको यहाँ लेकर आए थे। तो फिर हमारे जो रूपा बाबा हैं उनके कहने पर और इनके खुद के जागृत करने पर इनका एडमिशन हुआ हमारे यहाँ। मैं खुद शॉक्ड थी कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें अपने इस विद्यालय में इन साधारण बच्चों के साथ एक अद्वितीय अविलक्षण प्रतिभा के धनी हमारे मुच्चू गोपाल को पढ़ाने का भी मौका मिलेगा। डेली आते हैं पढ़ने के लिए? जी, ये डेली आते हैं। और सभी बच्चों के साथ आराम से पढ़ते हैं? सभी बच्चों के साथ बहुत आराम से पढ़ते हैं। और इनका जन्मदिन भी यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो पहले भी इनका जन्मदिन मनाया गया, बहुत धूमधाम से मनाया था जी। देखिए, अब बात करते हैं इनके पिताजी से। जी राधे राधे। राधे राधे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम गोपाल तिवारी है। तिवारी जी, ये बताइए क्या मन में भाव था जब आपने लड्डू गोपाल जी लिए थे? इनकी एज इस टाइम 31 साल की है, तो इनका अपना ही मन था कि मैं स्कूल में जाऊं। तो 4 साल पहले इन्होंने मुझे प्रेरित किया स्कूल जाने के लिए। तो ऐसे स्कूल में कोई मिलता नहीं था, तो इस कोने में हम बैठे तो एक माताजी ने कहा, बात चल रही थी, वो कहते चलो मैं चलती हूँ। वो यहाँ पे किसी टाइम में टीचर थी 20 साल पहले, तो वो हमें लेके सीमांत सर जहाँ प्रिंसिपल थे उनके पास आ गए। वे उनसे चलो उनसे बोलते हैं। तो हमने प्रिंसिपल जी से बात की, भैया इसकी एडमिशन करानी है, जो आपका स्कूल का चार्ज है वो ले लीजिए। कहता बाबा आधार, इनका आधार कार्ड कहाँ से लाएँगे, जाति प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे, वो सब कागज पूरे करने पड़ेंगे तब जाके एडमिशन होगा। मैं क्या भाई, ये चीज़ें तो तुम ही उपलब्ध करा सकोगे, हम कैसे कराएं? कहता बाबा ऐसे नहीं बैठा पाएंगे हम, मीटिंग में प्रपोजल रख दूंगा, अगर उन्होंने मान लिया तो पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं। तो हम इस सोच के बाहर आ गए। हमें पता ही नहीं था जो स्कूल के मालिक हैं रूपा बाबा, वो हमारे लाला के पास रोज़ इस्कॉन मंदिर में मिलते हैं। हम बाहर निकले, रूपा बाबा आ गए, वो इसको देख के रुक गए, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, मेरे से पूछा बाबा कैसे आए हो। मैं क्या भैया, ये लाला पढ़ने के लिए आया था, प्रिंसिपल साहब कहते एडमिशन नहीं, कौन कहता नहीं होगा, चलो मेरे साथ। तो प्रिंसिपल साहब को उन्होंने बार बुलाया, आप इसको क्लास में बिठा के आओ, आज 4 साल हो गए वो ही बिठा के कहते इसको। तो आपको कैसे पता पड़ी कि ये पढ़ने की कह रहे हैं आपसे? देखो ये चीज़ों का नहीं कोई तोड़ नहीं है भक्ति में, इसका मैं प्रपोज नहीं, इसका मैं दे नहीं सकता कोई भी प्रमाण, इस चीज़ का प्रमाण ही नहीं होता। तो 31 साल पहले आप इन्हें कहाँ से लेकर आए थे और मन में क्या भाव था? हम दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में हमारा कारोबार था रेडीमेड का, होलसेल का, गांधीनगर में। तो ये मेरे साथ ही दुकान पे भी जाता था, इसकी अपनी दुकानदारी थी, मेरी अपनी दुकानदारी थी, ये वहाँ पर अपनी दुकानदारी करता था, एक ही दुकान पर दोनों बैठते थे। तो वहाँ पर इन्होंने अपना भी कारोबार अच्छा किया, 15 लाख रुपया इकट्ठा किया इन्होंने। वो ही फिर आके अपने आश्रम में, ये जटा वाली माई आश्रम में आके अपनी डेवलपमेंट कराई गौशाला की, और गौशाला का सुधार किया पूरा इन्होंने, अपना पैरा पूरा पैसा वहाँ पे लगा दिया था ठाकुर जी ने। तो अब ये बताइए क्या चमत्कार होते हैं इनके? चमत्कार तो यही, अपने प्रिंसिपल साहब उसने स्टेज पे बोल रहे थे, बाबा इनकी कोई लीला बताइए। मैं क्या, मैं लीला क्या बताऊँ, तुम यही बताओ इसकी एडमिशन कैसे की तुमने लड़कियों के स्कूल में, पहले तो तुम ही बता दो। हंसने लगे, कहना बाबा ये तो मुझे भी नहीं याद। तो मैं क्या, ऐसी लीला ही होती हैं। एक लीला इन्होंने इस्कॉन मंदिर में की थी, एक माता जी आती थी बॉम्बे से थी,
वो इनके पास डेली आती, इनके कान में कुछ गुनगुना के चली जाती। तो मैंने भी कभी उनसे पूछने की चेष्टा नहीं की क्या बोलते हो। एक दिन मेरे मन में आया से पूछो तो थे, माता जी क्या कहते हो आप? तो वो मैंने माता जी से, माता जी आप इसको क्या सुना के जाते हो? हंसने लग गए। मैं कहा माता जी कोई बात नहीं, कोई भक्ति की बात को होगी को तो आप बना के जाते हो। उसका जवाब सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई। वो इसके कान में रोज़ बोल के जाती थी, जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्ही पर, तुम हो जहाँ ठाकुर मेरे, मेरी दुनिया बेही पर। बहुत रोज इसको ये गाना सुना के जाती थी। तो मेरे मन में आया, मैं कहा एक दिन इसकी भक्ति किसी न किसी दिन रंग लाएगी। तो मैंने उसको कहा बेटा इसका एक न एक दिन तुम्हें जवाब जरूर आएगा, किसी दिन भी आए। तो 6 महीने बाद वो उसको जवाब आया। वो एक दिन हंसती हुई आई, पैर छू के भागने लगी। मैं कहा बैठो सही बेटा। नहीं नहीं बाबा, मैं बताओ तो सही क्या हुआ? कहंदी आज मेरी तपस्या सफल हो गई। कैसे? कहंदी यही गाना मेरे घर पे जाके रिपीट करके आ गया मुझे। अच्छा, ये पुष्पांजलि की बात है, दूर की नहीं है। तो मेरे घर पे रिपीट करके ये गाना मुझे सुना के आ गया, आज मेरी तपस्या सफल हो गई। उसके बाद कम ही दिखी है वो मुझे, पता नहीं कहाँ गई अब। ये बताइए, रोजाना स्कूल आते हैं और स्कूल आते हैं तो अपने साथ में किताब कॉपी लंच सब? किताब, अपना टिफ़िन, पानी की बोतल, ये सारा साथ लेके आते हैं। इनके पेपर भी हुए हैं, आपको पेपर भी दिखा देता हूँ, चेक भी हुए हैं, रिपोर्ट कार्ड भी बना है इनकी, बाकी जो डेली बुक है, डेली बेस वाली किताबें वो भी पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। क्या नाम रखवाया आपने स्कूल में? इसका नाम है मुच्चू गोपाल। ये वृंदावन का मशहूर वैद्य भी है। किसी टाइम 5 साल ये दवाई देते रहे, हर बुधवार को सुखधाम आश्रम बलराम बाबा के, तो यही दवाई बांटते थे। हर महीने 500 मरीज होता था इनके पास। उनके अपने डॉक्टर जो थे वो 5 दिन बैठते थे, 6ठे दिन कोई डॉक्टर नहीं बैठता था, सिर्फ गोपाल मुच्चू ही होता था, और 10 आदमी नीचे कर्मचारी होते थे दवाइयाँ देने वाले। मरीज होता था 500 से 700। अब वहाँ जाकर उनसे पूछ सकते हो। अब हमने कोरोना के काल के बीच में आके दवाई बंद कर दी, नहीं तो 3 साल दवाई चलती रही। किस चीज़ की दवाई देते थे? हर तरह की दवाई का, कुछ भी हो। उनके लोगों में ये दिमाग में फंस चुका था कि हम गोपाल से दवाई ले रहे हैं, ठीक हो रहे हैं बस। आप इन्हें क्या मानते हैं? ये तो मेरा बेटा ही है जी, मैंने कभी भगवान माना ही नहीं, ना पूजा की है कभी, ना जोर जगाई, ना कभी पूजा वगैरह जोर वगैरह हमने कभी नहीं की। इसको नज़र उतार देते हैं और कुछ नहीं करते। हाँ, जाते हैं आप वहाँ, इन्हें साथ में ले जाते हैं? ब्रज छोड़ने ही बंद कर दिया जी। अब वृंदावन में किसी के घर नहीं जाना, ना वृंदावन का किसी से खाना, बस यही कर रखा जी। लाला सारा दिन बस इसके साथ ही, सिर्फ बरसाना जाते हैं साल में 2-3 बार। इसके 2 त्यौहार तो बरसाना के पक्के हैं, एक हरियाली तीज का और एक करवा चौथ का। ये त्यौहार देने बरसाना में जाते हैं। और इन्हें खाने में क्या पसंद है? खाने में पसंद इनकी रबड़ी और मतलब कि हर चीज़ जो भी घर में बनता है, ऐसा कोई प्रसिद्ध प्रसिद्ध नहीं, जो इच्छा हो तो आया। कभी गोविंदा में चले जाते हैं, इस्कॉन में वहाँ बैठ जाते हैं इसको खाने के लिए, कभी कुछ कभी कुछ। तो आप जहाँ भी जाते हैं ये माला झोली करते हुए साथ में घूमते हैं? ये ही तो है इसका आनंद। बस हमने 55 साल जो ज़िंदगी के गुजारे, वो समझ लो एक पिक्चर थी जो ख़त्म हो गई। ये जो 6-7 साल से हम आनंद ले रहे हैं वृंदावन का, इसका मुकाबला नहीं है। समझ लो ज़िंदगी का एंड है, इसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता, इसके बाद भी कुछ है नहीं। तो घर पे भी आप पढ़ाते हैं ना? हाँ, घर पे होमवर्क भी करता है, और ये खुद गीता का लेक्चर दिया है, लेकिन रोज़ मेरे से गीता सुनेगा एक अध्याय, जैसे भूल चुका हो ये। अच्छा। जैसे रोज़ एक अध्याय इसको गीता का सुनाना पड़ता डेली। और भजन सुनाते हुए? ना ना, हिंदी गाने सुन लेता, ये भजन नहीं सुनता। गाने सुनते हैं? अलग टाइप का ठाकुर है। और भी बच्चे होंगे? हमारा एक लड़का एक लड़की है, लड़का स्कूल में सर्विस करता है, लड़की की शादी हो चुकी है। तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाने में इतना आनंद नहीं आया जितना ये 5 साल से आनंद आ रहा। तो ब्रज में कैसे आगे, कैसे लगन लग गई आपको ब्रज में ले आने? ब्रज की लगन तो 20-22 साल पहले जो हमारे कमरे मिल गए थे हमें ठाकुर जी, इसने ले लिए थे आने के लिए, इसने ही पहले इंतजाम कर रखा था। बस 7 साल से फिर कारोबार ड्रॉप करके फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गए, अब 7 साल से यहीं पे। स्कूल जब लाते हैं तो किस चीज़ से लेके आते हैं, कैसे लेके आते हैं? ई रिक्शा स्कूल की लगी हुई है,
सुबह 10 बजे ई रिक्शा गेट पे आ जाती है, इनको लेके शाम दोपहर को पौने एक बजे छुट्टी होती है लेके चले जाते हैं। हमारे अपने बच्चे संसारिक कभी हमें स्टेज पे नहीं लेके गए, ये बच्चा है जो हमें स्टेज पे लेके गया नाम दिलवाने के लिए। इसकी मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, फर्स्ट प्राइज स्कूल का लेते हुए, मतलब संसारिक में कुछ भी नहीं है, मैं ये अंदाज़ा लगा बस, समझ लो हम उसको अपने बच्चे को बच्चा नहीं मानते, बस एक ही है हमारा ये। पढ़ा लिखा के इन्हें क्या बनाना चाहते हैं? पढ़ा लिखा नहीं, ये सिर्फ यहाँ पे एक गोपियों की वजह से आ रहा है, ये पढ़ने का तो एक बहाना है, ये इन गोपियों के साथ बैठे, ये बच्चे भी कोई ऋषि मुनि होंगे, ऐसा किसी स्कूल में मेरी आपके मिलेगा ठाकुर उनके बीच में बैठा हुआ, इसका मतलब इनके भी कोई भाग्य है और आप लोगों के भाग्य जो यहाँ पहुँचे हैं, देखो कोई ना कोई तो रिलेशन है ना इसके साथ, आप कहाँ जाते हो नहीं जाते, तो ये सब इनका रिलेशन का ही चक्कर है, इसको इनसे प्यार है आ रहा, इनके साथ ही बैठता है, इनके साथ ही खाता है, इनके साथ ही बोलता है हंसता, बच्चों को पूछो ना, इस बच्चे से पूछते हैं स्कूल का काम करके आया तुझे याद किया आज, तो ऐसे बच्चे ये भगवान का रूप है बच्चे, इनको पता ही नहीं दुनिया का, तो तू इनके साथ बैठता है, ये थर्ड क्लास में चला गया लेकिन बैठता है इसी क्लास में, पेपर इसके थर्ड क्लास के होंगे अब की, लेकिन बैठेगा इनके साथ ही, तैयारी भी कराते होंगे पेपर के समय पूरी मैडम ही तैयारी करा देती है इनके। कोई भजन कोई सुनाना चाहते हो आप? नहीं मुझे आता ही नहीं भजन, ये कौन सा गाना सुनते हैं? मैं तो इसको जब भी स्टेज पे जाता हूँ बच्चे की तौर पे सुनाता हूँ, इसके जो इसकी जुल्फे पकड़ के गाता हूँ, ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आँखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, यही देखने के लिए बिहारी जी के मंदिर में लोग जाते हैं, बस वो ही ये है। राधे 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 राधे। देखिए अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जिनका कहना है कि इनके जीवन में लड्डू गोपाल ने कई चमत्कार किए और 31 साल से ये इन्हें अपने पास रख रहे हैं और इन्हें स्कूल भी यहाँ पर वृंदावन में पढ़ाने के लिए लाते हैं, यही है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जो स्वयं कुछ ना कुछ भक्तों से करा ही लेता है। राधे राधे।